हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के लिए कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन में ए, सी डज नॉट परफॉर्म एनी बाउंड चेकिंग इन अरे। सी एरे में किसी भी बाउंड चेकिंग का प्रदर्शन नहीं करता। ऑप्शन टू, बी पॉइंटर कैन नॉट बी एडेड, दो पॉइंटर को जोड़ा नहीं जा सकता। स्ट्रिंग विथ वाइड स्पेस कैन नॉट बी एंटर्ड बाय एनी मीन्स, वाइड स्पेस के स्ट्रिंग को किसी भी तरह से एंटर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन बी यूज एज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सभी अंगणित ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? जो कथन गलत होगा, आंसर इज सी। क्या होगा? आंसर इज सी, स्ट्रिंग विद वाइड स्पेस कैन नॉट बी एंटर बाय एनी मीन्स, वाइड स्पेस के स्ट्रिंग को किसी भी तरह से एंटर नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? वाइट फन int x int star point x plus plus x की वैल्यू बाद में यहाँ पे क्या लगा है, पोस्ट इंक्रीमेंट y x plus plus मेन फंक्शन int b a 1, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। देन b की वैल्यू होगी 4 plus 3 plus 1, यहाँ पे आएगा आंसर इज b 1 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंगली लिंक लिस्ट? निम्न में से कौन सा एकल सिंगली लिंक के लिए गलत कथन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द लिंक फील्ड ऑलवेज पॉइंट टू सक्सेसर। इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो कथन दिए हैं, जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा गलत होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, when number of element is fixed it is better to use linked list than array। जब एलिमेंट की संख्या तय हो तो एरे की तुलना में एक लिंक लिस्ट का उपयोग करना बेहतर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग कोड? मेन कैरसी 10 इंडियन इंट एक्स 4 एक्स इक्वल टू 4 सेमी कॉलन एक्स लेस देन 7 एक्स प्लस प्लस प्रिंट एक्स एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक्स इंट एक्स ले रखा है, यहाँ पे जो इंडियन दे रखे सी 10, यहाँ पे इंडेक्सिंग कितनी दे रही 10, इसमें कितने नंबर हैं 3 एंड 3 6। क्लियर। 6 नंबर है, यहाँ पे 4 टाइम x इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, इंडियन इंडियन एंड इंडियन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू होगी 4, कितने टाइम चलेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a। क्लियर, आंसर इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ while लूप इन फॉलोइंग कोड। मेन लोड d 3.14 short int b equal to 1 c equal to 4 while b less than c b int d minus minus b c equal to c plus 1 by 2। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज a, infinite time। क्लियर। व्हाट द बिलो स्टेटमेंट विल प्रिंट इफ a equal to 10 b equal to 20? प्रिंट एप डी, ए में क्या है 10 इक्वल टू, बी में क्या है 20। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स होगी क्योंकि बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द बाइनरी ऑपरेटर ग्रुप? बाइनरी ऑपरेटर समूह कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, मेन इंट ए कॉमा बी ए 3, मॉडुलस ऑपरेटर 4, स्विच केस ए डिवाइड बाई 1। इसका आंसर क्या होगा, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा फिर इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद तो ये कंडीशन चलेंगी 3, केस 1, केस 2, केस 3, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टी डब्ल्यू ओ, तो आंसर इज बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज नॉट सपोर्टेड, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड इन सी लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। 4 के अंदर हम सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स देखेंगे, द फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी ऑलवेज वेरिएबल, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्या होगा, ट्रू। देयर इज ओनली वन टर्नरी ऑपरेटर इन सी, सी में केवल एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलॉक इज यूज टू एलोकेट मेमोरी रन टाइम, क्या मैलॉक फंक्शन का उपयोग रन टाइम में मेमोरी आवंटित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ फंक्शन दैट रन टाइम साइज ऑफ वेरिएबल इन बाइट्स, साइज ऑफ फंक्शन है जो बाइट्स में वेरिएबल की साइज रिटर्न करता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट ए 4, हेयर 4 इंडिकेट साइज ऑफ एरे एंड ए इक्वल टू 3, हेयर आर रिप्रेजेंट 5th एलिमेंट, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल प्रेफरेंस एयर स्ट्रक्चर पॉइंटर इज रिक्वायर्ड एज अ डेटा मेंबर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन इज कॉन्सेप्ट ड्रॉप फ्रॉम एरे, यूनियन एरे से ली गई अवधारणा है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट कीवर्ड मैंडेटरी इन स्विच केस स्ट्रक्चर, डिफॉल्ट कीवर्ड स्विच केस संरचना में अनिवार्य है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फाइल इज ओपन इन रीड मोड वी कैन इंसर्ट डेटा इनटू द फाइल, यदि फाइल रीड मोड में ओपन है तो हम फाइल में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। जब फाइल रीड मोड में ओपन हो तो हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20, इन टर्म ऑफ मेमोरी यूजेस लिंक लिस्ट इज ऑलवेज बेटर देन एरे, मेमोरी यूज के संदर्भ में लिंक लिस्ट हमेशा एक एरे से बेहतर है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग देखेंगे, इट इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, ऑटो एक स्टोरेज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। क्लियर, क्या है, ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज नॉन एज, एक प्रोग्राम में सबसे छोटे इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज टोकन। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जो वर्ड करेक्टर, वो टोकन्स कहलाते हैं। क्लियर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लूप इज आल्सो एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है, आंसर इज ई, डू व्हाइल लूप, क्या है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 इज नॉन एज, ये क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट।
आंसर इज एल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दिस करेक्टर यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ द फाइल इज, क्या होता है? जी, आंसर इज जी, एंड ऑफ फाइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंड ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंट्रोल स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रिंट लॉन्ग इंट, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज के, परसेंटेज एल डी, लॉन्ग इंटीजर, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन इज, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, इंटीजर, क्या होगा? इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दिस फंक्शन यूज टू मर्ज टू स्ट्रिंग इन वन, इस फंक्शन का उपयोग दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में मर्ज करने के लिए किया जाता है, किस फंक्शन का यूज करते हैं जब दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, स्ट्रेक कैट के द्वारा हम दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इट इज फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, एरे। क्लियर, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, अरे इज अ सिमिलर डेटा टाइप। क्लियर, आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लॉजिक नॉट ऑपरेटर इज, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, डायमंड शेप यूज टू इन फ्लो चार्ट, डायमंड शेप का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्लो चार्ट में, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज के, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा टाइप ऑफ एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज, एक वेरिएबल के एड्रेस को डेटा प्रकार हमेशा होता है, किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज अनसाइंड इंट जी, आंसर इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंबाइन वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, लिंकर, क्या होगा? लिंकर। फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा इन अ फाइल रैंडम मैनर, रैंडम तरीके से फाइल में डेटा एक्सेस करने के लिए किस फंक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, एफ सीक फंक्शन, किसकी? एफ सीक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, इनम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, स्ट्रक्चर डेफिनेशन मस्ट एंड विथ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, सेमी कॉलन। स्ट्रक्चर को जो हम समाप्त करते हैं किसके द्वारा समाप्त करते हैं? सेमी कॉलन के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ द मेमोरी इज नॉट एलोकेट रन टाइम मैलॉक रिटर्न, यदि रन टाइम में मेमोरी आवंटेड नहीं होती तो मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज वाइट पॉइंटर, क्या रिटर्न करता है? वाइट पॉइंटर, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इज बेटर टू स्टोर इन डेटा एप्लीकेशन व्हेन फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म इन एप्लीकेशन, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज लिंक लिस्ट, क्या होगा? लिंक लिस्ट, आंसर इज जे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिंबल यूज टू इंडिकेट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल के एड्रेस को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज
एम परसेंट, आंसर इज एल, एम परसेंट के द्वारा हम वेरिएबल की एड्रेस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अलाउ यूजर टू डिफाइन एंड आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, टाइप डेप फंक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।